जी बिल्कुल, जिला अपर और जिला लोअर चित्राल में बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे आना शुरू हो गए। जिला अपर चित्राल में तहसील तुर्को मुर्को में 71 पुलिस स्टेशन का नतीजा आ गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार था मीर जमशेद, उनको 8,402 वोट मिले और फिलहाल उसको बरतरी हासिल है। जमीयत उलमा इस्लाम का जो उम्मीदवार था मौलाना फतहुल बारी, उसको 6,636 वोट मिले। जमात इस्लामी के मौलाना जावेद को 6,695 वोट मिले हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के मुस्तफा हुसैन को 6,233 वोट मिले। आज़ाद उम्मीदवार फहरुद्दीन को 3,209 वोट मिले। अपर चित्राल में तहसीली मस्तूर जो है उसमें 63 में से 62 का रिजल्ट आ गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार हकीम को 12,223 वोट मिले हैं। पीपल पार्टी के अमीरुल्ला को 6,989 वोट और सहरुद्दीन खान को 5,702 वोट और नासिर अली शाह को जो आज़ाद उम्मीदवार है उनको 1,066 वोट मिले। लोअर चित्राल में जो तहसीली चित्राल है उसमें 104 में से 84 का रिजल्ट आ गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहजाद अहमद रहमान को 19,502 वोट मिले हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अब्दुलरहमान को 10,502 वोट मिले हैं। जमात इस्लामी के वजीहुद्दीन को 9,000 और पाकिस्तान पीपल पार्टी के काजी फैसल को भी 9,000 वोट मिले। लोअर चित्राल में तहसीली दरोश में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं हाजी मोहम्मद सुल्तान को भी बरतरी हासिल है और सबसे ज़्यादा वोट उसको मिले हैं। लोअर चित्राल में जो इंतजाम थे, खासकर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चित्राल में जो है उसकी काफ़ी शिकायत आ गई इंतजामिया के ख़िलाफ़ की नाकिस इंतजाम थे। जो नामजद उम्मीदवार थे या जो वोटर्स थे उन्होंने कहा कि यहाँ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है एसी चित्राल असिस्टेंट कमिश्नर सकल सलीम ने उनके इंतजाम नाकिस थे और कि उनका ये कहना था कि हमने बार बार उनको नोटिस में लाया कि यहाँ पर पोलिंग बूथ ज़्यादा लगाया जाए, क्योंकि वहाँ पर खासकर मज़दूरों के लिए और ज़ईफ़ उम्र लोगों के लिए भी स्पेशल बूथ नहीं था और वो स्कूल में दो मंजिला स्कूल था, इमारत था, उसमें नीचे ख़वातीन के लिए पोलिंग स्टेशन था, ऊपर मंजिल में मर्दों के लिए था, मगर रश इतने ज़्यादा थे कि लोग कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे और कई के घंटे इंतजार पर मजबूर थे। लोगों ने यह भी शिकायत किया कि हमने बार बार एसी के नोटिस मिलाया कि यहाँ पे अमला ज़्यादा किया जाए, क्योंकि अमला बहुत कम है और पोलिंग बहुत ज़्यादा लगाया जाए ताकि जल्दी जल्दी लोग अपना वोट डालकर फारिग हो जाए। तो हमने ख़ुद भी इस सिलसिले में जो प्रेजिडेंट ऑफिसर थे असिस्टेंट कमिश्नर सकल सलीम से बात की है कि लोगों की शिकायत ये है, तो उन्होंने बात करने से इनकार किया और उनका ये था कि मैं किसी की शिकायत सुनता नहीं हूँ, उसका जवाब देता हूँ। बार के सूरत हाल ये रहा कि शाम के जो 5 बज गए तो काफ़ी सारे लोग जो थे वो वापस चले गए, उनको बारी नहीं आई, और अंदर जो लोग खड़े थे उसमें ऐसे लोग भी थे कि वो कई कई घंटे इंतज़ार करके फिर नीचे बैठकर थोड़ी देर के लिए सस्ता देने लगे। तो लोगों ने जो वहाँ पे खड़े थे और ख़ासकर जो उम्मीदवार थे उन्होंने शिकायत किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर